नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 का पाठ 2 प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें बहुपद निकालना है। पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि पहले देखेंगे कि बहुपद क्या है। लिखेंगे द्विघात बहुपद। पहले देखेंगे बहुपद क्या है। बहुपद क्या होता है? इसका व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात बहुपद होता है। इसमें सी क्या होता है? क्या होता है? सी अचर पद होता है। अचर पद होता है। अब शून्यक इसमें कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। शून्यक क्या होते हैं? शून्यक होते हैं अल्फा और क्या होता है बीटा, दो शून्यक होते हैं। जब शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए। और एक कॉन्सेप्ट होता है शून्यकों का गुणनफल मतलब दोनों का गुणा क्या होता है? सी बटे ए होता है। ये हमें दोनों को याद करना पड़ेगा। ये हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि शून्यकों का योग क्या है, तो ये आते हैं ऑप्शन में। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 8। इसका क्या निकालना है? पहले शून्यक ज्ञात करना है। पहले इसके शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? पहले क्या देखते हैं कि व्यापक समीकरण में जो एक्स के साथ हो, एक्स के साथ यहाँ पे क्या है? एक है। और लास्ट वाली क्या है यहाँ पे? 8। दोनों का आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 1 × 8 बराबर कितना है? 8 × 1 = 8। अब ऐसी संख्या देखते हैं कि जो गुणा करे तो 8 आए और आपस में उन्हें जब जोड़ें या घटाएं तो कितना आए? 2x आए। ऐसी कौन सी संख्या है जो घटाएंगे तो ये वाला चिन्ह देखेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा? 2x। और गुणा करें तो क्या आए? 8 आए। 4 और 2 देखेंगे, 4 × 2 = 8। अब यहाँ पे लिख देंगे 1x² माइनस चिन्ह वही रहेगा। आपस में हमें क्या करना है? बीच में काई का चिन्ह लगाएंगे, घटाना का, क्योंकि 8 के पहले घटाना का चिन्ह लगा है। तो एक कौन सा है? 4 है, एक है 2। तो 4x माइनस का 2x माइनस 8 बराबर 0 लिख देंगे। 1x² माइनस का जब 4x के साथ गुणा करेंगे माइनस 4x, माइनस का जब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 2x माइनस का 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगली प्रोसेस क्या होती है कि दो दो पद करके कॉमन निकालना होता है, जो सेम लगे वो निकालना होता है। दोनों पद में हमें क्या सेम लग रहा है कि x लग रहे हैं दोनों में। इसमें भी x है, इसमें भी x है, x निकाल सकते हैं ना। तो x निकाल लिए। जब यहाँ से x निकाल लिए तो क्या बचा? 1x बचा, माइनस का 4 बचा x, क्योंकि निकल गया है प्लस। यहाँ आप देखेंगे दोनों में सेम क्या लग रहा है? दोनों में सेम 2 लग रहा है, क्योंकि x इसमें है, x इसमें नहीं है। तो x यहाँ पे बचा, अब माइनस 4 यहाँ पे बचा। अब इसके बाद आगे कंडीशन क्या होती है कि जो कोष्टक के अंदर है उसे एक बार लिख देते हैं और जो हम कॉमन निकालते हैं उसे एक बार लिख देते हैं। ये लिख दिया। अब एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर कर देंगे, एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर कर देंगे। x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे। जब x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो ये पक्षांतर हो जाएगा, तो माइनस का है तो इस साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। और यहाँ प्लस का 2 है, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। अतः शून्यक क्या क्या निकले हैं बता? अतः लिख देंगे शून्यक अल्फा बराबर क्या निकला? 4 निकला। और बीटा बराबर कितना निकला? बीटा बराबर निकला -2। हमें पहले शून्यक निकालना था। इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक तो निकल आए, 4 और -2 निकला, तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे ये देखेंगे। सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की
जांच। अपन समीकरण क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ बराबर जीरो। व्यापक समीकरण अपन को पता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ए की जगह यहाँ पे ए का मान कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जो ए की जगह होता है वह क्या है, होता है ए का मान कितना निकला, एक, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ क्या है, एक है, यहाँ पे कुछ नहीं होता मतलब एक होता है। तो ए का मान कितना निकला, एक। बी का मान कितना निकला, माइनस का दो जो एक्स के साथ है, और सी का मान कितना निकला, माइनस का आठ, ये निकल आया। अब हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। क्या होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मैंने पहले बता रखा है, अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटे ए, ये होता है ना। अल्फ़ा की वैल्यू अपनी कितनी निकली थी, अल्फ़ा की वैल्यू अपनी निकली थी चार, कितनी निकली थी चार, प्लस बीटा की कितनी निकली थी, माइनस की दो, माइनस बी का मान अपना कितना है, बी का मान ये दे रखा है माइनस का दो, माइनस का दो लिख देंगे, बी का मान बटे ए का मान कितना है, एक है, तो चार प्लस का जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का दो बराबर, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस का दो आ जाएगा, दो बराबर दो। हमारी योगफल वाली कंडीशन तो सही हो गई। अब शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे, मैंने पहले बता रखा है। अल्फा की वैल्यू अपने को पता है कितना दे रखा है, चार, इंटू लगा है मतलब गुणा, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस की दो बराबर, सी का मान अपन क्या है कितना है, सी का मान ये रखा माइनस का आठ, माइनस का आठ बटे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है एक, ए की वैल्यू कितनी है एक, चार का जब माइनस दो से गुणा करेंगे तो माइनस का आठ बराबर माइनस का आठ। अतः हमारा क्या हो गया, अतः सत्यता की जांच हो गई, मतलब दोनों मान बराबर आए हैं, अतः संबंधित की सत्यता की जांच, ये सही है हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, चार एस स्क्वायर माइनस का चार एस प्लस का एक, ये दे रखा है। अब पहले अपन शून्यक निकालेंगे, शून्यक कैसे निकाले थे, तो वाले समीकरण में जो पहला पद होता है और लास्ट पद आपस में क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं, चार एकम चार। अब ऐसी कौन सी संख्या है कि उनको आपस में जोड़ें, इस एक के पहले वाला चिन्ह देखा जाता है, आपस में जोड़ें तो क्या आए, क्या आए कि ये बीच वाली संख्या आ जाए, चार आ जाए, और गुणा करें तो कितना आए, चार आए, तो दो गुणे दो कर सकते हैं आपस में, इन दोनों को जोड़ेंगे, चलो करके देखते हैं। माइनस देखो एक, दोनों को आपस में जोड़ना है, एक ये है एक संख्या ये है, तो दो एस लगा है, तो एस प्लस दो एस, प्लस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इस संख्या के पहले प्लस का चिन्ह लगाया है, प्लस एक बराबर जीरो। अब आपस में गुणा करेंगे माइनस का, माइनस के चिन्ह का पूरे कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस का टू एस, माइनस का टू एस प्लस एक बराबर का जीरो। अब दो पद से कॉमन निकालेंगे, दो दो पद देखते हैं ना, कॉमन निकालेंगे जब, तो यहाँ सेम क्या लग रहा है दोनों में, देखो यहाँ पे दो है, दो निकल आएगा क्योंकि इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, जब चार एस को चार को तोड़ेंगे तो दो गुणे दो हो जाएगा, तो दो यहाँ से निकल आएगा, एक एस है। अब क्या बचा यहाँ पे, एक दो निकल गए, एक दो बचा और एक एस बचा, क्योंकि दो एस भी हैं, माइनस का यहाँ पे क्या बचा, एक, माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगा देंगे। अब देखेंगे कि दो एस माइनस वन यहाँ है, दो एस माइनस वन यहाँ पे है, सेम नहीं लग रहा, तो अपन क्या निकाल लेंगे, क्योंकि एक निकाल लेंगे, क्योंकि हमें जो कोष्टक के अंदर हो वो सेम मिलना चाहिए, नहीं तो यदि सेम नहीं मिलेगा तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो दो एस माइनस वन, दो एस माइनस रहेगा, क्योंकि इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा। क्या क्या मान निकले, दो एस माइनस वन एक निकला, जो कोष्टक के अंदर है उसे एक बार लिख लीजिए, एक बार जो कोष्टक के बाहर है जो कॉमन निकालते हैं उसे लिख लीजिए, बराबर जीरो कर देंगे। अब शून्य कैसे निकालेंगे, दोनों को जीरो के बराबर कर देंगे, टू एस माइनस वन बराबर जीरो, टू एस माइनस वन बराबर जीरो, तो टू एस बराबर कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा,
इस माइनस के एक को साइड भेजेंगे तो प्लस का एक, एस बराबर एक, यहाँ पे दो गुणा में है, जब एस के इस साइड बराबर के जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा। अल्फ़ा का मान आता कितना निकला, अल्फ़ा का मान 1/2। इसी तरह बीटा का निकाल लेते हैं, 2s बराबर, ये माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का एक हो जाएगा, माइनस का एक था इस साइड गया बराबर के तो प्लस का एक आ गया। अब s बराबर, ये दो को दो है, s गुणा में है आपस में, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में। बीटा का मान कितना निकला, 1/2। अब क्या लिख देंगे, अतः हमारे शून्य क्या निकले, अतः हमारे शून्यक क्या निकले हैं, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2 निकले ये दोनों ना मान। अब क्या करेंगे, अब हमें संबंध की जांच करनी है, सत्यता की जांच। जांच कैसे करते हैं, ये पहले वाले क्वेश्चन अपन कर चुके हैं कि पहले क्या करते हैं कि द्विघात बहुपद पता है ना क्या होता है, पहले अपन समीकरण लिख लेंगे। लिखा है 4s² - 4s + 1 = 0। अब द्विघात बहुपद पता है क्या होता है, ax² - ax + bx + c। तुलना करेंगे तो यहाँ से a, b और c के मान निकालेंगे। a का मान कितना है यहाँ पे, 4 है। b का मान कितना है, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का, तो माइनस का 4 हो जाएगा। c का मान कितना है, 1। ये हमारे क्या निकाला है, मान निकाला है। इसके बाद क्या करेंगे, तीनों मान निकाला है, अब योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, योग शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ये अपन पहले देख चुके हैं। तो अल्फा का मान कितना निकला अपना, अल्फा का मान निकला 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 निकला था, -b/a। बी की वैल्यू कितनी निकली है, -4 और ए की वैल्यू भी कितनी है, 4। अपन ने मान रख दिया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो लासा लेंगे तो 2 लासा आएगा, 2 + 2 लासा लेंगे तो इतना आएगा, 2 + 2 = b की वैल्यू अपनी थी -4। माइनस चिन्ह पहले से रहेगा क्योंकि माइनस की भी पहले रहता है, तो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 4/4 आ जाएगा, 2 × 2 = 4/4 = 4/4। आपस में काट देंगे तो कितना आ गया, 1/1, मतलब योगफल तो अपना सही हो गया, 1/1 आ गया। अब गुणनफल देख लेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्य को गुणनफल कैसे निकालते हैं, α×β = क्या होता है, c/a। अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू लगाए मतलब गुणा का चिन्ह लगाया, 1/2। सी की वैल्यू कितनी निकली थी अपनी, सी की वैल्यू निकली थी 1/1, की वैल्यू थी अपनी 4। एक का जब एक से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का 2 से करेंगे तो 4 = 1/4, मतलब ये दोनों मान भी बराबर आ गए। आता क्या है, संबंध की सत्यता की जांच करने पे दोनों मान सही आ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आप, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6x² - 3 - 7x ये दे रखा है। पहले देखेंगे कि बड़ी घात है, फिर छोटी घात को पहले लिख लेंगे, फिर इसके बाद अचर पद लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 6x² ये -7x ये -3 = 0, पहले सही तरीके से लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, इसके बाद पहली संख्या और लास्ट संख्या का आपस में क्या करते हैं, गुणा। 6 * 3 = 18 आया। अब ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करें तो 18 आए, ओ से घटाएं तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 7। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 9 और 2 का आपस में जब गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, और जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसे कैसे लिखेंगे, 6x² माइनस का चिन्ह यही रहेगा। अब इन दोनों को 9x लिखेंगे क्योंकि इसके साथ x है, -2x लिखेंगे, ये वाला चिन्ह बीच में लिखेंगे, -3 = 0। 6x² माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 9x, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x, -3 = 0, ये हो जाएगा।
अब क्या करते हैं, दो दो पद करके कॉमन निकालते हैं। ये दो पदों में सेम क्या दिख रहा है, क्या सेम दिख रहा है दोनों में? यहाँ से तीन, क्योंकि तीन का दो से गुणा करेंगे तो छः आ जाएगा, तीन का तीन से गुणा करेंगे नौ, तीन यहाँ से और एक एक्स निकल रहा है। जब यहाँ से तीन निकल गया और एक एक्स निकल गया तो क्या बचा, दो बचा और एक्स बचा, माइनस यहाँ से तीन निकल गया है और एक्स निकल गया है, एक्स तो निकल गया, तीन निकल गया तो क्या बचा, तीन बचा यहाँ पे प्लस। अब देखेंगे ये सेम लग रहा है, ये भी सेम लग रहा है, तो क्या निकाल देंगे, एक निकाल देंगे। जब सेम हमें यहाँ का और यहाँ का सेम देखे तो हमें क्या करना है, हमेशा एक निकाल लेना, और जो चिन्ह लगा हो वही चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। क्या लिख देंगे, टू एक्स माइनस का तीन बराबर का जीरो। अब जो एक बार कोष्टक के अंदर हो उसे एक बार लिख लेंगे बराबर जीरो, एक बार जो कोष्टक के बाहर हो उसे एक बार लिख लेंगे, जो कॉमन निकालने पे आता है। क्या निकला, टू एक्स माइनस तीन बराबर जीरो, टू एक्स माइनस तीन है ये बराबर के उससे जाएगा तो प्लस का तीन हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली, यहाँ दो एक्स के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इस साइड भाग करेगा तीन बटे दो, ये अल्फा का मान निकाल आया। इसी तरह यहाँ से बीटा का मान निकाल लेंगे, तीन एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस का एक आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का, एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस का एक बटे ये तीन, यहाँ पे एक्स के साथ गुणा में इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हमारे क्या की वैल्यू निकल आई, बीटा की वैल्यू निकल आई, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल आई। तो अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच कैसे करते हैं, पहले समीकरण लिखेंगे, किसकी समीकरण, किस समीकरण की हमें जांच करनी है, छः एक्स स्क्वायर माइनस का सात एक्स माइनस तीन बराबर जीरो। इसकी तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से, व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना। तो ए की वैल्यू, ए के सामने वाला क्या है, छः, बी की वैल्यू कितनी है, सात कहेगा माइनस का, सी की वैल्यू तीन, ए बी सी की वैल्यू की मान निकाल आए। अब इसके बाद का क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल निकालते हैं, शून्यकों का योगफल कैसे निकालेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, ये होता है ना। चलो अल्फा का मान निकला है तीन बटे दो, क्या निकला है, तीन बटे दो प्लस अपने बीटा का मान कितना निकल रहा है, माइनस का एक बटे तीन बराबर बी, बी की वैल्यू कितनी दी है, बी की वैल्यू दी है माइनस का सात, कितनी दी है माइनस का सात, और बटे में है ए, ए की वैल्यू दी है छः, बटे में क्या है ए, ए की वैल्यू दी है छः। अब इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का लासा लेंगे, दो तीन का लासा कितना आएगा, छः। पहले एक बार इसको तोड़ लेते हैं, तीन बटे दो प्लस का माइनस से गुणा करेंगे, माइनस का एक बटे तीन बराबर माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का सात बटे छः आ जाएगा। तीन और दो का लासा लेंगे, छः आ जाएगा, दो का इससे भाग करेंगे तीन, तीन तरह का नौ, माइनस तीन दो नहीं दो एक कम दो बराबर सात बटे छः आ गया, नौ में से दो जाएगा सात बटे छः बराबर सात बटे छः। मतलब जब शून्यकों का योगफल किए तो दोनों मान क्या आए, बराबर आए। अब शून्यकों का गुणनफल भी करना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल कैसे करेंगे, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए होता है। अल्फा की वैल्यू अपने को पता कितनी है, तीन बटे दो गुणे, गुणे का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि इंटू होता है गुणे। बीटा की वैल्यू है माइनस की एक बटे तीन बराबर, सी की वैल्यू अपनी कितनी निकली है, सी की वैल्यू निकली है माइनस का तीन बटे, ए की वैल्यू कितनी निकली है, ए की वैल्यू निकली है छः। अब तीन का जब माइनस एक से गुणा करेंगे तो माइनस तीन, तीन का जब दो से करेंगे तो छः, तीन बटे छः। देखो ये दोनों मान भी बराबर आ गए, अतः क्या है, अपन जांच सही है, ये दोनों मान शून्यकों का गुणनफल करें और शून्यकों का योगफल करें, दोनों मान क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए, तभी हमारा आंसर सही माना जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे, चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चौथे में कि चार यू स्क्वायर प्लस आठ यू बराबर जीरो, यह है चौथे क्वेश्चन में। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तीसरा पद तो है नहीं, तो इसे करेंगे
तो दोनों पद देखेंगे, दोनों पद में हमें सेम क्या लग रहा है। दोनों पद में देखो इसमें यू है तो यू निकल आएगा, दोनों में चार सेम लग रहा है, चार निकल आएगा। अब चार निकल गया, यू निकल गया, क्या बचा, यू बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा, दो बचा, क्योंकि यू निकल गया है बराबर जीरो। अब एक बार चार यू को जीरो के बराबर करेंगे, एक बार यू प्लस दो को जीरो के बराबर करेंगे, तो चार यू बराबर जीरो, यू प्लस दो बराबर जीरो। तो यू बराबर कितना निकल आया, ये चार के साथ गुणा में कर रहा है, इस सर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो कितना, जीरो बटे चार, मतलब यू बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया। ये अल्फा का मान आ गया, यू बराबर माइनस दो, प्लस का था इस सर जाएगा तो माइनस कर दो। अब देखेंगे समीकरण क्या दे रखा है, चार यू प्लस आठ यू बराबर जीरो है। अब द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, अपन पढ़ चुके हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तुलना कर देंगे, ए के सामने क्या है, ए के सामने है चार, ए बराबर कितना निकला चार, बी बराबर आठ। चूँकि सी की वैल्यू है नहीं कुछ भी, तो सी की वैल्यू क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। ए का मान चार निकला है, बी का मान आठ, सी का मान जीरो। अब जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच जांच करते थे ना, तो पहले निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। अपन ये पहले देख चुके हैं, अल्फा का मान कितना है अपन निकाल चुके हैं, जीरो है, अल्फा का मान कितना है जीरो, और बीटा का मान है माइनस का दो। अल्फा का मान लिखेंगे जीरो प्लस माइनस दो बराबर माइनस बी, तो माइनस चिन्ह, बी की वैल्यू है आठ, आठ लिख देंगे, बटे में ए है, ए की वैल्यू कितनी चार है, चार लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, प्लस का माइनस से गुणा करेंगे, माइनस का दो बराबर चार दूनी कितना माइनस दो। योगफल किए दोनों मान बराबर आ गए। इसी तरह गुणनफल निकालना पड़ेगा, गुणनफल कैसे निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यकों का गुणन फल क्या होता है, सो उनका अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है जीरो, इंटू का मतलब होता है गुणा, बीटा की है माइनस की दो, सी की वैल्यू क्या है, सी की कुछ नहीं है तो जीरो, बटे ए की वैल्यू चार है, तो जब जीरो का माइनस दो से गुणा करेंगे जीरो, जीरो बटे चार मतलब जीरो, मतलब शून्य को गुणनफल भी किए तो जीरो बराबर जीरो, मतलब दोनों कंडीशन फॉलो कर रही, मतलब दोनों का मान बराबर आ रहा है, मतलब समीकरण अपना द्विघात समीकरण है। अब समी पाँचवा देखेंगे, पाँचवा क्वेश्चन क्या है, पाँचवा टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट पंद्रह लिखा है बराबर जीरो करेंगे, तो टी स्क्वायर बराबर प्लस का पंद्रह हो जाएगा, माइनस का पंद्रह है, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का पंद्रह, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट पंद्रह आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, टी का मान अंडर रूट पंद्रह आ गया। अब चूंकि अंडर रूट में है तो इसे दो मान लेंगे ना, एक प्लस का होगा एक माइनस का, टी बराबर क्या निकला, प्लस का अंडर रूट पंद्रह, एक निकला माइनस का अंडर रूट पंद्रह, क्योंकि अंडर रूट में वैल्यू है। अब शून्यकों का, अब तो अपने को पता है, क्या पता है, समीकरण क्या होता है, एक बार समीकरण लिख देंगे, टी स्क्वायर प्लस पंद्रह बराबर जीरो। अपन इसे द्विघात समीकरण से तुलना कर देंगे, द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ए की वैल्यू क्या आई, एक आई, बी की वैल्यू क्योंकि एक्स वाला पद यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, सी का मान यहाँ पे पंद्रह आ गया, काई का आएगा माइनस का पंद्रह, कितना आएगा माइनस का पंद्रह। अब जांच करेंगे, जांच कैसे करते थे, शून्यकों का पहले निकाल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा की वैल्यू कितनी थी, जीरो, सॉरी अल्फा की वैल्यू कितनी थी, रूट पंद्रह प्लस की गुणे बीटा की माइनस की रूट पंद्रह थी बराबर सी बटे ए, मतलब सी का मान कितना था, सी का माइनस पंद्रह आया था, ए की वैल्यू थी अपनी एक, जब रूट पंद्रह का माइनस रूट पंद्रह से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का पंद्रह आ जाएगा बराबर माइनस का पंद्रह, मतलब दोनों कंडीशन क्या हो रही हैं, बराबर आ रही हैं, मतलब गुणनखल खंड जब योगफल किए थे तो दोनों मान बराबर आ रहे थे, गुणनफल किए तो दोनों मान बराबर, अतः द्विघात समीकरण क्या है, अपन सही है। अब एक और क्वेश्चन बचा है, छठवां क्वेश्चन, उसे देखेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस चार
इसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले अपन क्या करते हैं कि पहली संख्या और लास्ट संख्या का आपस में गुणा करते हैं। 3 चौक को कितना है 12। अब ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करें तो 12 आए, उन्हें घटाएं तो एक आना चाहिए, तो कौन सी है 4 और 3 हो जाएगी। कौन सी 4 और 3, 3x² माइनस चिन्ह यही है। कौन सी 4x माइनस 3x। माइनस चिन्ह क्यों आया, मैंने पहले लगाया था ना, जो संख्या के पहले चिन्ह हो वही यहाँ पे लगाते हैं। तो 3x - 4 = 0, 3x². अब माइनस चिन्ह का कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 4x से माइनस 4x, माइनस का माइनस से तो प्लस 3x, -4 = 0। अब दो दो संख्याएं करके क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। दोनों संख्या में सेम क्या लग रहा है, एक्स लग रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा 3x बचा, माइनस का 4 बचा, प्लस 1 निकल गया यहाँ से, 3x माइनस का 4 = 0। मैंने एक क्यों निकाला, क्योंकि ये संख्या सेम लग रही थी, यहाँ पे वही संख्या सेम आती है, तो 3x माइनस 4 और ये एक बार कोष्टक के अंदर उसे लिख देंगे जो कोष्टक के बाहर है, एक बार उसे लिख देंगे बराबर 0। अब इसको एक बार 0 के बराबर कर देंगे, इसको एक बार 0 के बराबर कर देंगे, 3x - 4 = 0, x + 1 = 0। अब पक्षांतर करेंगे, 3x = 4, माइनस का था बराबर के उस साइड जाए तो प्लस का, तो x = 4/3, 3 यहाँ पे x के साथ गुणा कर रहा था, इस साइड जाएगा तो बटे में पहुँच जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल आई 4/3, ये अल्फा की वैल्यू हमारी कहला जाएगी। और x = -1, माइनस का 1 क्यों आया, प्लस का था, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का, ये हमारी बीटा की वैल्यू आ गई। जब अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई तो अभी हमें सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। अब समीकरण क्या दे रखा है, 3x² - x - 4 = 0, ये दे रखा है समीकरण। इसे द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे, क्या है द्विघात बहुपद, ax² + bx + c = 0। ए की वैल्यू कितनी आई 3, बी की वैल्यू माइनस की 1, इसमें कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो माइनस की 1, सी की वैल्यू माइनस की 4, ये मान आ गए। अब जांच करेंगे, जांच कैसे करते थे, शून्यकों का योगफल, पहले शून्यकों का योगफल निकालते थे, योगफल क्या होता है α + β - b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू अपन ने निकाली है 4/3 और बीटा की निकाली है -1, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख देंगे 4/3, बीटा की माइनस का 1 बराबर, बी की वैल्यू अपन कितनी है 1/a की कितनी है 3, लासा ले लेंगे। जब लासा लेंगे तो कितना आएगा, 4 3 1 लास लेंगे, 3 लास आएगा, 4 - 3 आ जाएगा बराबर -1/3। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, α × β = c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 4/3 गुणे बीटा की वैल्यू है -1 बराबर, सी की वैल्यू अपनी दे रखी है -4 और एक ही है 3, 4 का जब -1 से गुणा करेंगे तो -4/3, -4/3, इसमें भी दोनों वैल्यू क्या गई बराबर आ गई, मतलब जब हमने शून्यकों का गुणनफल किया तो दोनों वैल्यू बराबर आ रही थी यहाँ पे, और शून्यकों का जब गुणनफल किया था तो दोनों वैल्यू बराबर आई, मतलब हमारी उत्तर की जांच क्या है सही है, मतलब अपन सही गुणा कर रहे हैं।